दोस्तों, हमारे विज्ञान ने वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, चाहे वो अंतरिक्ष में इंसान भेजने में हो या किसी भी बीमारी का इलाज करने में। सिर्फ पृथ्वी ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष में होने वाले किसी भी घटना का जवाब विज्ञान के पास होता है। लेकिन धरती के कुछ रहस्य ऐसे भी हैं जिसे विज्ञान अभी तक सुलझा नहीं पाया है। हमारी पहली घटना लाइटिंग बॉल की है। यह एक ऐसी अस्पष्ट घटना है जो आसमान में बिजली चमकने के बाद दिखाई देती है। इसे लगभग दुनिया के सभी देशों द्वारा देखे जाने का दावा किया गया है। यह एक हल्की रोशनी का गोला होता है जो एक मटर के दाने से लेकर फुटबॉल के आकार का होता है, जो कुछ समय तक हवा में उड़ते हैं और किसी चीज से टकराकर नष्ट हो जाते हैं। इसे लाल, पीला और संतरी रंगों में सबसे ज्यादा देखा जाने का दावा किया गया है। माना जाता है कि यह जिस भी चीज से टकराता है उसे कुछ मात्रा में नुकसान भी होता है और इसके नष्ट होने के बाद जले हुए सल्फर की बदबू आती है। दोस्तों, दूसरी घटना 13 अक्टूबर 1917 के दिन में थोड़ी बारिश हुई और बादल हटने के बाद लोगों ने देखा कि सूरज बाकी दिनों के मुकाबले धुंधला दिखाई देने लगा। सूरज रंग बिरंगे रंग में था और चक्र की तरह घूम रहा था और जिग जैग तरीके से घूमते हुए धरती की तरफ गिर गया। लगभग 10 मिनट बाद सूरज फिर अपनी जगह पर आ गया। इसलिए यह घटना चमत्कार के रूप में दर्ज हो गई और इसे मिरेकल ऑफ द सन या मिरेकल ऑफ फातिमा नाम दिया गया है। दोस्तों, तीसरी घटना बहुत इंटरेस्टिंग है। पोलैंड के ग्रिफिन नाम के शहर के नजदीक मौजूद एक ऐसा जंगल है जिसमें 400 देवदार के पेड़ हैं और सभी पेड़ एक ही तरफ अजीबोगरीब तरीके से झुके हुए हैं। इन सभी झुके हुए पेड़ों की वजह से क्रूक्ड फॉरेस्ट नाम दिया गया है। यह पेड़ सभी जड़ से जमीन में ही पूर्वी दिशा की तरफ लगभग 9 फीट तक 90 डिग्री में सीधे गए हैं, फिर सीधे घूमते हुए आसमान की तरफ गए हैं। अपने अजीबोगरीब आकार के बावजूद भी ये पेड़ स्वस्थ और 50 फीट ऊंचे हैं। सभी पेड़ यहाँ लगभग 1930 में लगाए गए थे। इसको लेकर बहुत सारे तर्क लगाए जाते हैं कि ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हुआ है, लेकिन यह तर्क नहीं माना जा सकता क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल चीजों को नीचे की तरफ खींचता है, न कि धरती के ऊपर 90 डिग्री की तरफ। इस प्रकार क्रूक्ड फॉरेस्ट के ये 400 पेड़ अभी तक विज्ञान के अनसुलझे रहस्य ही बनकर रह गए हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।